नमस्कार दोस्तों तो बहुत बहुत ख़राब रिजल्ट आया एक तरह से पर क्यों आया ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी जो अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू काफ़ी बड़ा रेवेन्यू तीन करोड़ बढ़ा ऐसा कोई नहीं है कि रेवेन्यू में कोई कमी आई है बट रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद लॉस में गई है कंपनी उनसठ करोड़ के मुकाबले सिर्फ तीन करोड़ का लॉस हो गया तो तीन करोड़ का डिफरेंस प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखाई दे रहा होगा अर्निंग पर शेयर माइनस सेवेंटी थ्री रुपीज तिहत्तर रुपये पहुँच गया है तो काफ़ी घाटे वाला अगर कहे रिजल्ट तो ये वो आया है अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में चार करोड़ का ग्रोथ है बट अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो वहाँ छः करोड़ का डिफरेंस आया है मतलब तीन करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ था सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर अब तीन करोड़ का लॉस हुआ है तिहत्तर रुपये का अर्निंग पर शेयर था माइनस तिहत्तर रुपये तो ये काफ़ी इंपैक्ट कर सकता है इस शेयर को आप ये ध्यान रखिए बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट तो ऐसा आया पर इसका कोई रीज़न भी तो होगा देखिए कॉस्ट बहुत तरह की होती हैं कोस्ट में अगर आपका देखें तो कोस्ट ज़्यादा है कोस्ट का एक रीज़न मेन है फाइनेंशियल कोस्ट जो कि एक बार वन टाइम जो कोस्ट आई है इनमें तीन सौ इकतालीस करोड़ रुपए की तो इसकी वजह से तीन सौ इकतालीस करोड़ की कोस्ट की वजह से इन्हें वो नुकसान हुआ है अब ये वन टाइम बोस्ट के ये मामला तो खराब हो ही गया तीन करोड़ का आपको लॉस दिखाई दे रहा है अब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये बहुत मुश्किल है इसमें जानना स्टॉक वैसे भी बहुत हाई से नीचे आ चुका है ग्यारह सौ बारह सौ के प्राइस पे पहुंच चुका था वहां से नीचे आना शुरू हुआ है और अभी छः सौ के प्राइस पर आप देख ही सकते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा कल देखना बहुत ज़रूरी होगा तो मार्केट में नज़र बनाए रखेगा जिनके पास भी ये स्टॉक्स है और ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा धन्यवाद